अस्सलाम वालेकुम, मैं आज बना रही हूँ चीज़ लोडेड फ्राइज़। तो यहाँ पे मैंने दो बर्तन ले लिए, एक नॉन स्टिक है और एक स्टील का है। इसके अंदर ऑयल ब्रश कर लेंगे इस तरह से, और देन आप इसके अंदर फ्राइज़ ऐड कर देंगे। आलू को फ्राई करके चिप्स बना के, चिप्स की फॉर्म में आप इसको इसके अंदर फ्राइज़ ऐड कर देंगे। उसके बाद आप इसके अंदर सॉस ऐड करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस जो होती है या बर्गर सॉस जो होती है। इसका जो रेसिपी का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद आप मज़ीद थोड़े से फ्राइज़ ऐड करेंगे और देन इसके ऊपर जो सॉस डाल के, उसके बाद आप इसके ऊपर ज़्यादा सारा जो चीज़ है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करना है, तकरीबन एक दो चुटकी, और थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करना है। ओके, ऑरिगेनो ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं। 180 के ऊपर मैंने इसका रख के गैस को जो रेंज है वो मैंने गरम कर लिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब मैंने दोनों बर्तनों को जिसके अंदर चीज़ लोडेड फ्राइज़ है इसके अंदर ऐड करके 10 मिनट के लिए जस्ट बेक किया, और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ लोडेड फ्राइज़ रेडी हैं। तो इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा।